बेयर ग्रिल्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाला शो मैन वर्सेस वाइल्ड आ जाता है, जो अपने सर्वाइवल टिप्स की मदद से सुनसान विहार बिहड़ों में जिंदा रहने की तकनीक सिखाता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाए गए अपने सर्वाइवल टिप्स की मदद से ना केवल पश्चिमी देशों बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि बना ली है। इस शो में बेयर ग्रिल्स खुद मुश्किल हालातों में फंसकर उन हालातों से निकलने की तकनीक सिखाता है, जिसके कारण कई लोगों ने ऐसे हालातों में अपनी जान बचाई है। बियर ने आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ सालों तक आर्मी में काम करने के दौरान उन्होंने मुश्किल हालातों से बचने की कई तकनीक सीखी और कई ईजाद भी की, जो बाद में उन्होंने अपने शो के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई। आइए आज हम उसी हौसला देने वाले नौजवान बेयर ग्रिल्स के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को उत्तरी आयरलैंड के दोनाघाड़ी कस्बे में हुआ था। बेयर का वैसे असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है, लेकिन जब वो केवल एक सप्ताह के थे तब से उनकी बहन उन्हें बेयर कहकर पुकारती थी, जिसे बाद में उन्होंने अपना मुख्य नाम रख लिया था। बेयर ग्रिल्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लूड ग्रू स्कूल और रिटर्न कॉलेज से की है, जहाँ से उन्होंने सबसे पहले माउंटेनियरिंग क्लब में हिस्सा लिया था। आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि बेयर ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल से भी डिग्री प्राप्त की है। स्कूल छोड़ने के बाद बेयर ग्रिल्स वैसे तो इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे ताकि वो हिमालय पर्वत पर चढ़ाई कर सके, लेकिन बाद में स्कूल पूरी करने पर उन्होंने अपने प्रदेश की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 1996 में जाम्बिया में उनके साथ एक पैराशूट दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में 4,900 मीटर की ऊंचाई पर जब उन्होंने पैराशूट खोलना चाहा तो वो पूरी तरह से नहीं खुला, जिसकी वजह से वो बुरी तरह चट्टानों पर गिर पड़े और उनकी 3 रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई थी। उनके सर्जन ने बताया कि अगर इस दुर्घटना में थोड़ी सी और चूक हो जाती तो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकते थे और शायद ही जीवन में कभी चल पाते। 12 महीने तक बेयर ने बिस्तर पर आराम किया और इस दौरान उनको आर्मी की सेवा को भी छोड़ना पड़ा। अपने इस बुरे दौर में उन्होंने अस्पताल से निकलने से पहले सोच लिया था कि उन्होंने जो गलतियाँ की वो किसी दूसरे के साथ नहीं होने देंगे और लोगों को सर्वाइवल टिप्स देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बचपन के सपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का भी विचार बना लिया था। बेयर ग्रिल्स ने पैराशूट दुर्घटना में 3 रीढ़ की हड्डियां खोने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और इस घटना के केवल 18 महीने के बाद उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा कर दिखाया। बेयर ग्रिल्स ने 16 मई 1998 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर लोगों को यह दिखा दिया कि इंसान के हौसले बुलंद हो तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। केवल 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बेयर सबसे युवा माउंटेनर में से एक गिने जाने लगे। 2005 में बेयर ग्रिल्स और उनके दोस्तों ने मिलकर सबसे अधिक ऊंचाई 7,600 मीटर पर डिनर पार्टी का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अपने इन कारनामों के बाद बेयर ने कई टीवी सीरीज के जरिए सर्वाइवल टिप्स बताए थे। आइए आपको उनके कुछ प्रमुख प्रचलित टीवी शो के बारे में विस्तार से बताता हूँ। बेयर ग्रिल्स जिस शो के जरिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए थे उस शो का नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड। इस शो को ब्रिटेन में बॉर्न सर्वाइवर के नाम से टेलीकास्ट किया जाता है, जबकि दूसरे देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, इंडिया और अमेरिका में इस मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस शो में बेयर को हर बार ऐसी उजाड़ और भीड़ वाली जगहों पर भेजा गया जहाँ आदमी का नामो निशान ना हो, और इसमें बेयर अपने सर्वाइवल टिप्स के जरिए लोगों को ऐसी हालत से निकलने के लिए टिप्स देते हैं। यह शो 2006 से शुरू हुआ था और इसकी अपार लोकप्रियता के चलते 5 सालों में इसके 7 सीजन आ चुके हैं। इस शो में सारे स्टंट्स बेयर खुद एक्सपर्ट्स की सलाह से करते हैं, जिसमें वो खड़े चट्टानों पर चढ़ना, हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कूदना, पैराग्लाइडिंग करते हुए उतरना, जिंदा बचे रहने के लिए
सांप खा जाना, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खुद का पेशाब तक पी जाना और आग जलाने जैसे कारनामे कर दिखाते हैं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जाबाज बेयर ग्रिल्स की बुलंद हौसले की लाइफ स्टोरी? और आप भी बेयर ग्रिल्स के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। बी अवेयर वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हो एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।